तो और मेरे भाई लोग क्या हाल चाल है, तुम्हारे चैनल पढ़े लेगी। तो आज के लिए जो वीडियो इसके अंदर मैं आप लोग कुछ प्री एडिटेड थंबनेल्स देने वाला हूँ जो कि आप लोग अपने वीडियोस में यूज़ कर सकते हो। तो इसके लिए आप लोग कुछ नहीं करना, जस्ट आप लोगों को एक क्रेडिट दे देना है डिस्क्रिप्शन में अपने वीडियो का कि थंबनेल बाय रैप्टोनर करके, ठीक है। एंड और एक थंबनेल में इधर दे दूंगा आप लोग को 1K स्पेशल का, वो भी आप लोग को पैक पे मिल जाएगा। तो ये भी आप लोग अपने वीडियो में यूज़ कर सकते हो। ये स्पेशली जिन लोगों का 1K स्पेशल होता है, मोन्टाज होता है, उनके लिए ये सब तो यूज़ शायद नहीं कर सकते, ठीक है। तो अगर ऐसा थंबनेल बनाना आप लोग को सीखना है कि ऐसा थंबनेल कैसे बनाए, तो उनके लिए आगे वीडियो एंड ये वीडियो मेरे चैनल का सबसे ज़्यादा डिटेल्ड में समझाएगा कोई ट्यूटोरियल है, मतलब जो कि एकदम पूरा बिगिनर्स के लिए, ठीक है। तो अगर आप लोगों को सीखने की कैसे बनाते हैं ऐसा थंबनेल, तो वो लोग आगे वीडियो देख सकते हैं। एंड सारा कुछ वीडियो में जितने भी सारे चीज़ फॉन्ट से लेके हर एक पार्टिकल तक इफेक्ट सब कुछ आप लोगों को पैक पे प्रोवाइड कर दिया जाएगा, तो आप पैक को डाउनलोड कर लेना। एंड और एक बात बता दूँ कि आज का जो ट्यूटोरियल का वॉइस ओवर है वो मैंने वॉइस ओवर नहीं किया था, मतलब जब बना रहा था तभी मैं रिकॉर्ड किया था ऑडियो भी, तो इसीलिए मेरा ऑडियो का क्वालिटी उतना अच्छा नहीं है। कभी कभी बीच बीच में थोड़ा बहुत नॉइस आ रहा है तो उसको इग्नोर माना, लेकिन मैं अपना समझाने के लिए ही ये चीज़ किया कि जिससे और अच्छी तरह से समझा पाओ, क्योंकि वॉइस ओवर के टाइम थोड़ा जल्दी जल्दी बोल देता हूँ तो उससे आप लोगों को कुछ जनों को प्रॉपर समझ नहीं आता, तो उसी के लिए मैं एकदम डायरेक्ट ही ऑडियो को भी तभी रिकॉर्ड कर लिया था। तो उस चक्कर में थोड़ा ऑडियो क्वालिटी इधर उधर हुई, लेकिन समझाने का पूरा फुल बेस्ट दिया हूँ मैं। तो बस अभी आप आगे आप लोग ट्यूटोरियल को देखो। तो सबसे पहले आप लोगों को पिक्सल एप्लीकेशन को ओपन कर लेना, अगर आप लोगों के पास नहीं है तो आप लोग इसको इजीली प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो। देन मैं इसको लैंडस्केप पे कर लिया। देन मैं क्या करूँगा कि ए वाले ऑप्शन पे आऊँगा, इधर एडिट पे जाके अपना जो टेक्स्ट है उसको मैं लिख लूँगा। लाइक मेरा टेक्स्ट इधर सुपर मेसी फिर ये होगा, ठीक है। फिर मैं इसको डन करके ओके कर दूँगा। फिर आपको इधर ये ए बी वाला ऑप्शन जो है फॉन्ट, ये फॉन्ट पे आ जाना है। देन अगर आपके पास नहीं है ये वाला फॉन्ट, ये एम्पायर करके तो कोई एक फॉन्ट है, ठीक है, मतलब ये वाला जो यूज़ करने वाला हो, तो अगर आपके पास नहीं है तो आप क्या करो कि ये सबसे पहले तो पैक डाउनलोड कर लेना, देन उसको एक्सट्रैक्ट कर लेना, ठीक है। फिर आप क्या करना है कि ये इस वाले ऑप्शन पे जाना है, ये जो टी राइट साइड पे बना है टी के ऊपर प्लस, तो उस पे जाके जिधर भी आपका मतलब वो फॉन्ट होगा उस पे जस्ट जाना। जैसे मैं इधर, मेरे पे ज़्यादातर डाउनलोड में ही होता है, तो उधर जाके मान लो ये आपका वो ये वाला फॉन्ट है, तो इस पे से टिक करके ये वाला अपना फॉन्ट है, ठीक है, ये एविल एम्पायर करके जो फॉन्ट दिख रहे ऐसे करके टिक करके ऐड सेलेक्ट पे टैप करना, तो ये वाला जो फॉन्ट है आपके पास आ जाएगा, ठीक है। तो मेरे पे है ऑलरेडी, तो इधर मैं सर्च कर लेता हूँ EVIL Ampere ऐसे तो कुछ है, या तो ये अपना जो फॉन्ट है वो आ गया, तो इसको मैं मतलब इधर जस्ट फॉन्ट पे टैप करके ओके कर दूंगा, तो ये हो गया अपना फॉन्ट रेडी। देन इसका ये कॉपी बना लेना है, देन इसको भी एडिट पे जाके इधर आपको लिखना है, हाँ BGMI मॉन्टेज ऐसा कुछ भी आप लिख सकते हो इधर, BGMI मतलब आपका जो सेकेंड टेक्स्ट होगा सेमी टेक्स्ट, तो उसको मैं इधर BGMI मॉन्टेज लिख दिया। फिर मैं फिर से जाऊंगा फॉन्ट वाले ऑप्शन पे, देन माय फॉन्ट्स, तो इधर ये वाला फॉन्ट भी आप वो कर लेना, क्या बोलते हैं ऐड कर लेना अगर आपके पास नहीं है तो। ये फॉन्ट कुछ किधर गए हो, तो ये अपना BNK गौथम जो भी है ये वाला फॉन्ट, इसको भी मैं पैक में आपको दे दूंगा। तो इधर देखो ये सीन हो रहा है कि ये स्मॉल कैपिटल ये चीज़ हो गया, तो इसके लिए आप क्या करो कि एडिट पे जाके ये TT वाला जो ऑप्शन दिख रहा है ना, ये TT वाले पे टैप कर दो, तो सारे टेक्स्ट जो है वो कैपिटल में हो जाएगा, या तो आप स्टार्टिंग में ही पूरा टेक्स्ट को कैपिटल में लिखो, ठीक है, तो इससे आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। तो ये अपना जो टेक्स्ट है वो आ गया है, तो अभी आपको क्या करना है कि ये BGMI मॉन्टेज वाला जो अपना सेकेंड टेक्स्ट है, तो उसके लिए हमें ये स्पेसिंग वाले ऑप्शन पे जाना है, स्पेसिंग को अपने को कर देना है पूरा, या तो आप मतलब थोड़ा हाई रखना, ठीक है, तो ये अच्छा से इम्पैक्ट पड़ता है। तो अपना टेक्स्ट जो है ये रेडी हो चुका है। देन इधर ये राइट साइड जो डबल बक्सा टाइप ऑप्शन है इस पे जाना है, फिर ट्रांसपेरेंट, फिर शेयर वाले ऑप्शन पे जाके डिफ़ॉल्ट पे टाइप करके अल्ट्रा पे कर लेना है अपने को ये फॉन्ट सेव, ठीक है। तो फिर मैं इधर से बैक आके आपको ये वाला जो ऐप है ये PACC, ये आपको मेरे डिस्कॉर्ड सर्वर पे मिल जाएगा, तो आप उधर से ये ऐप को डाउनलोड कर लेना अगर आपके पास नहीं है तो, ठीक है। फिर आपको ये वाले ऑप्शन पे टैप करना है, फिर ब्लैंक डॉक्यूमेंट,
देन ब्लैंक डॉक्यूमेंट पे इधर आपका जो ऊपर वाला साइज होगा विथ को आपको कर दें 1920 बाई 1080 डिफॉल्ट रहता है, तो विथ 1920 बाई हाइट जो ही 1080 करके इसको कर देना ओके। ठीक है, तो आपके पास कुछ ऐसा सा एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट आ जाएगा। ठीक है, माने ऐसा कैनवास टाइप। फिर आपको ये राइट साइड पे इस पर टैप करना है, देन प्लस पे टैप करना है, फिर फोटो लेयर फोटो लाइब्रेरी पे जाके आपको कोई सा भी एक बैकग्राउंड चूज कर लेना है। आपके पास अगर नहीं है तो आप मेरा पैक डाउनलोड कर सकते हो, मैं वो बैकग्राउंड स्क्रीनशॉट वाला पैक वाले वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ठीक है, तो ये अपना जो स्क्रीनशॉट पैक है ये मिल गए, तो इसमें से मैं कोई सा भी रैंडम सा सिलेक्ट कर लेता हूँ, तो मैं ये वाला स्क्रीनशॉट ऐड कर लूँगा। जस्ट इस पर आपको सिंपली टिक करना है, मतलब टच करना है, सिलेक्ट करके ऐड कर देना है। तो इतना करोगे तो ये आपके पास ऐसे आ जाएगा, देन इसको टिक करोगे तो ये हो गया आ गया अपने पास। तो अभी आपको क्या करना है कि ये पहले तो इसको ऐसे बंद रहेगा, इसको ऐसे खोल लेना है। ठीक है, ये लेयर वाला, ये इसको लेयर बोलते हैं। ठीक है, ये सब चीज़ लेयर है। फिर आपको टैप करना है इस वाले ऑप्शन में। ठीक है, ये वाला ऑप्शन, फिर इसका जो ऑपोजिट है इस वाले लेयर का, इसको आपको थोड़ा सा कम कर देना है। ठीक है, फिर बाहर टैप करो, फिर एंड पे टैप करो, ट्रांसफॉर्म करो, ट्रांसफॉर्म करके इसको आपको छोटा बड़ा कर सकते हो। ठीक है, तो इसको मैं ऐसे ये कैनवास के ऊपर ऐसे प्रॉपर फिट कर दूंगा, तो उसके लिए मैं इसको तो पहले तो थोड़ा बहुत बड़ा करूँगा। आप चाहो तो ये एक्स्ट्रा पे टैप करके इसको स्नैपिंग को बंद कर सकते हो। स्नैपिंग थोड़ा सा मैग्नेट टाइप चीज़ होता है, मतलब उसको थोड़ा खींचता है। जब आप यूज़ करोगे तब आप इसको समझ जाओगे, अगर आपको समझ नहीं आ रहा है तो। फिर मैं इसको रिसाइज कर लेने के बाद इसको कर दूंगा टिक। फिर इस वाले लेयर का जो ऑपोसिटी हमने कम किया था उसको भी मैं कर दूंगा पूरा। ठीक है, फिर इसको मैं कर दूंगा क्लोज। फिर आपको ये पेंसिल बक्सा वाला आइकन पे टैप करना है, फिर शो पॉइंटर, फिर इस पे लॉन्ग प्रेस करके, जो लेफ्ट साइड लॉन्ग प्रेस करके रखा हूँ मैं। फिर आपको इधर सेलेक्ट करना है पॉलीगन सिलेक्शन टूल। ठीक है, लॉन्ग प्रेस करके रखना, फिर छोड़ देना, तो ये आपका सिलेक्शन, मतलब ये सिलेक्शन वाला टूल आ जाएगा। फिर आपको क्या करना है कि ये जो राइट साइड पे ये वाला चीज़ है, इसको आपको जिधर भी आपको पॉइंट स्टार्ट करना है मानो, तो इसको इसे, ये जो आपका प्लस वाला आइकन दिख रहा है वही आपका मेन पॉइंटर है। ठीक है, तो उसको हम इधर स्टार्टिंग पॉइंट पे लेके आके जस्ट लेफ्ट साइड जो और एक आपका आइकन दिख रहा होगा स्काई एंड वाइट के अंदर, तो उस पर सिंपली टैप करना है, तो आपका इधर एक डॉट आ गया। ठीक है, ये डॉट नहीं है, मैंने अपना जो सिलेक्शन है उसी का एक पार्ट है, मतलब जब करोगे आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, मैं प्रॉपर से वॉइस ओवर कर नहीं पा रहा उसके लिए सॉरी। तो ये अपना फर्स्ट पॉइंट, फिर ऐसे करते हुए आप पूरा कैरेक्टर को सिलेक्ट कर लेना। ठीक है, जस्ट आपको एक पॉइंट को लेके जाना है, फिर टैप करोगे तो आपका सिलेक्शन आगे बनता रहेगा, ऐसे ऐसे करके आप करते रहना। ठीक है, तो मैं इसको कर लेता हूँ, इसको करने में आपको थोड़ा टाइम लगेगा, तो इस पर थोड़ा टाइम देना, ज़्यादा जल्दबाजी मत करना, तो कैरेक्टर अगर प्रॉपर सिलेक्ट नहीं हुआ तो उतना अच्छा नहीं लगेगा। ठीक है, तो आप धीरे धीरे कर लेना, या तो मैं आपको ये प्रैक्टिस के लिए ये वाला ही कैरेक्टर दे दूँगा, आप इससे बना के प्रैक्टिस कर सकते हो। तो ये देखो अपना जो सिलेक्शन है वो प्रॉपर बन चुका है, लेकिन अभी कुछ कुछ जगह लाइक ये जो जगह है ये अपना सिलेक्शन नहीं हुआ। ठीक है, मतलब ये भी, ये एरिया अपने को नहीं चाहिए। ठीक है, ये जो एरिया है ये अपने को नहीं चाहिए, लेकिन ये फिर भी सिलेक्ट हो रखा है। तो इसके लिए अपने क्या करना है, ये मोड वाला ऑप्शन दिख रहा होगा नीचे बॉक्स टाइप, तो इस पर आपको दो बार टैप करना चाहिए, माइनस साइन आ जाएगा, तो आप इससे जो एक्स्ट्रा सिलेक्टेड हुए एरिया है उसको आप डिसलेक्ट कर सकते हो। तो वही चीज़ कर रहे हो अभी, तो इसको मैं ऐसे करके सिंपली जो जगह नहीं चाहिए वो ऐसे डिसलेक्ट कर लूँगा। तो अपना और भी कुछ ऐसा एक्स्ट्रा जगह है तो मैं उसको भी ऐसे जल्दी जल्दी डिसलेक्ट कर लेता हूँ। तो ये अपना देखो अभी प्रॉपर जो सिलेक्शन है वो बन चुका है। अभी अपने को क्या करना है कि ये लेयर वाले ऑप्शन को ऑन कर लेना है, मतलब इसको ऐसे बंद रखे इसको खोल लेना है ऐसे, फिर प्लस के आइकन पे टैप करना है, फिर इधर फोर्थ नंबर पे लेयर फॉर्म सिलेक्शन करके एक ऑप्शन होगा, इस पर टैप करोगे तो जितना भी आपका सिलेक्टेड हुए एरिया है वो कॉपी होके एक ब्लैंक लेयर पे ट्रांसपेरेंट करके आ जाएगा। ठीक है, जित देखो जितना अपना सिलेक्टेड एरिया ये एक ट्रांसपेरेंट लेयर करके आ गया। ठीक है, तो इसको आप ऐसे जो एक वाइट टाइप डॉट दिख रहा है लेयर के जस्ट ऊपर,
तो उस पर टैप करके उस लेयर को ऑफ ऑन कर सकते हो। ठीक है, लाइक मैं इधर कर रहा हूँ। तो अभी अपना जो बैकग्राउंड से कैरेक्टर को अलग करने का काम था वो भी हो चुका है। तो मैं अभी क्या कर रहा था, ये आप लोग नहीं भी कर सकते हो, तो ये जो अपना कैरेक्टर है इसका एक डुप्लीकेट लेयर बना लूँगा करके, इसको मैं रख दूँगा बैकग्राउंड लेयर के नीचे। ठीक है, देन बैकग्राउंड लेयर का भी एक कॉपी बना लूँगा, उसको भी नीचे रख दूँगा। तो ये जस्ट फॉर एक बैकअप, अगर मैं कुछ गलती कर देता हूँ तो मैं फिर से इसको जो ये प्रोसेस है ये मुझे फिर से ना करना पड़े, ये जो कैरेक्टर को अलग करने ये वाला चीज़ फिर से ना करना पड़े। ठीक है, जस्ट अ बैकअप, ये चीज़ आप ना भी कर सकते हो। ठीक है, तो फिर आप ये जो ब्लैंक ब्लैंक वाला आपका लेयर रहेगा जो कि ट्रांसपेरेंट एक फोकट में दे देता है, तो उसको मैं कर देता हूँ डिलीट, क्योंकि ये अपने को नहीं चाहिए। देन आपको आना है ये बैकग्राउंड वाले लेयर पे। उससे पहले आप क्या करोगे, ये वाले ऑप्शन पे टैप करो, पेंसिल बक्सा, देन हाइट पॉइंटर करके ऑप्शन होगा, इस पे टैप कर देना, तो आपका जो शो पॉइंटर आ रहा था वो हाइड हो जाएगा। फिर बाहर गए पे टैप करना तो ये जो सिलेक्शन रहेगा वो भी हट जाएगा। ठीक है, फिर आप पूरा उस पे काम कर सकते। फिर आपको आ जाना ये बैकग्राउंड वाले लेयर पे। ठीक है, फिर आप क्या करोगे, इफेक्ट्स पे जाओ, टिंट दे दो, टिंट का जो ल्यूमिनिसिटी रहेगा इसको आप 5 रख दो। फिर इसका जो कलर रहेगा ये आप अपने हिसाब से रख सकते हो, लाइक मैं चलिए ये कलर से दिखा रहा हूँ। ठीक है, छोड़ो ये मैं ये कलर से दिखा रहा हूँ येलो, क्योंकि ये ड्रेस पे भी येलो है तो ये थोड़ा अच्छा लगे। ठीक है, तो ये कर लेने के बाद मैं इसको कर दूँगा टिक। अगर आपको कलर भी बनाना नहीं आता तो आप क्या करो कि पहले तो कलर वाले ऑप्शन पे टैप करो, फिर ये वाले ऑप्शन पे टैप करो, इधर से आप कोई भी एक रैंडम कलर ऐसे नॉर्मल भी सिलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, या तो आप HSB वाले ऑप्शन पे आओ, इधर आके जो इसका यू है इसको पैसे 40 कर दो, एंड ये जो ब्राइटनेस है इसको फुल कर दो। ठीक है, तो ये आपका जो कलर है ये आ गया। एंड आपको अगर इसको डार्क करना है तो आप इसका ब्राइटनेस को कम कर सकते हो। तो मैं इधर से नहीं कर रहा, मैं कुछ और टाइप से करके आपको दिखाऊंगा। ठीक है, तो आपको सिंपली ऐसे आपका जो थीम कलर है उसको सिलेक्ट करके इसको टिक कर देना है। फिर आपको इस लेयर के डुप्लीकेट बना लेना है, फिर इस पे देना है आपको गॉशियन ब्लर। ठीक है, गॉशियन ब्लर लाइक इतना सा, फिर आपको इस पे ऐड करना है डायरेक्शनल ब्लर कुछ इतना सा, फिर चाहो तो आप इस पे फिर से एक बार गॉशियन ब्लर ऐड कर सकते हो। ठीक है, तो आपका जो बैकग्राउंड है वो भी लगभग हो चुका है, तो अभी इसको हमें कर देना है मर्ज। तो मर्ज हो जाने के बाद इसको भी आपको थोड़ा डार्क करना है, एंड जो साइड है उस पर थोड़ा डार्क डार्क सा इफेक्ट आना चाहिए, मतलब साइड डार्क रहेगा एंड मिडिल जो है वो नॉर्मल सा रहेगा। तो उसके लिए सबसे पहले आपको जाना है एफएक्स पे, एफएक्स पे जाके ये लाइटिंग करके एक ऑप्शन होगा, इस पर आपको सिंपली टैप करना है। देन इधर स्पेकुलरिटी करके एक ऑप्शन होगा, इस पर आके इसका जो अमाउंट है इसको 7 रख देना है। ठीक है, फिर इसको कर देना टिक। तो इतना हो जाने के बाद आपका जो बैकग्राउंड है वो लगभग हो चुका है। देन आपको अगर आपका बैकग्राउंड ज़्यादा ब्राइट लग रहा है तो आप क्या करो, तो एक प्लस के आइकन पे टैप करो, एम्प्टी लेयर बना लो। ठीक है, फिर एंड पे जाओ, जाके फिल कर दो, फिल एंड स्ट्रोक पे टैप कर दो। देन आप ये कलर वाले ऑप्शन पे जाके आप ब्लैक कलर कर दो। ठीक है, ब्लैक। ठीक है, ब्लैक करने के बाद इसका जो अमाउंट है इसको कम करोगे, तो मतलब ब्लैक जितना भी ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा डार्क होगा आपका बैकग्राउंड। ठीक है, तो आप कम मतलब आपके हिसाब से रख लेना, लाइक मैं इधर इतना मुझे ठीक लग रहा है क्योंकि मुझे डार्क बैकग्राउंड में ही काम करना है, जिससे कि अपना जो कैरेक्टर है एंड जो टेक्स्ट है वो ज़्यादा उभर के आए। फिर मैं इसको कर दूँगा अपने बैकग्राउंड लेयर के साथ मर्ज। तो ये अपना जो बैकग्राउंड है ये भी रेडी हो चुका है। अभी हमें क्या करना है कि अपना जो कैरेक्टर है इस पर शाइन कुछ इफेक्ट ऐड करना है। ठीक है, तो इसके लिए मैं इस पर करूँगा डुप्लीकेट लेयर, फिर इस लेयर को कर दूँगा मैं इसका ब्लेंडिंग मोड चेंज करके लीनियर डॉज ऐड। फिर एफेक्ट्स पे जाके गॉशियन ब्लर। ठीक है, ये गॉशियन ब्लर का जो अमाउंट है इसको फुल रख देना, फिर लेयर को ऑन करके ये वाला जो लेयर है इस लेयर का ओपेसिटी कम कर देना, लाइक इतना सा। ठीक है, अभी अपना जो कैरेक्टर है वो भी शाइन करने लगा है। मैं इस वाले लेयर के डुप्लीकेट बना लूँगा, देन पेंसिल बक्सा वाले ऑप्शन पे जाके सिलेक्ट पिक्सल करके एंड पे जाके फिल कर दूँगा।
ठीक है। एंड देन फिल का जब कलर रहेगा वो रहेगा अपना सेम थीम कलर, ठीक है। फिर इसको कर दूंगा ऐसे टिक, ठीक है। फिर बाहर कहीं पे टैप करोगे तो ये जो सिलेक्शन है वो हट जाएगा, फिर ही आप गॉसियन ब्लर इस पर ऐड करोगे तो वो बाहर टाइप जाएगा, ठीक है। अगर मान लो आपका जो सिलेक्शन है वो आप नहीं किए, मतलब नहीं हटाए, फिर आप ऐसे गॉसियन ब्लर दोगे तो ये कुछ चीज़ नहीं होगा, बाहर जाएगा ही नहीं। जितना भी आपका इफेक्ट्स ऐड होगा ये सिर्फ जो आपका सिलेक्टेड एरिया है उसी पर रहेगा। तो आपको सबसे पहले जो सिलेक्शन है इसको ऐसे हटाना है बाहर कहीं पर टैप करके, या तो आप इधर पेंसिल बक्से वाले ऑप्शन पर जाके इधर डी सिलेक्ट करके ऑप्शन होगा इस पर टैप करोगे तो ये जो आपका सिलेक्शन है वो हट जाएगा, ठीक है। फिर आप इस वाले लेयर को करो लीनियर डॉज, फिर एफएक्स पे जाओ, फिर गॉसियन ब्लर, ठीक है। देन आप इसको कर दो टिक, ठीक है। देन ये वाला जो लेयर है इसको लेके आओ अपना जो मेन कैरेक्टर लेयर है उसके नीचे, ठीक है। तो नीचे लाने के लिए आप कुछ नहीं करना, जस्ट सिंपली पहले तो वो लेयर पे टैप करना है, फिर इसको ड्रैग करके नीचे ला देना। देन इसका जो अमाउंट है या बाद में घटाना, उससे पहले इसको आप गॉसियन ब्लर एकदम फुल अमाउंट पे, ठीक है, ब्लर जो है एकदम फुल अमाउंट पे 3-4 बार देना, ठीक है। फिर आप एक बार डायरेक्शनल ब्लर ब्लर भी ऐड कर सकते हो इस पर, जिससे कि वो थोड़ा फैल जाए। फिर मैं इसका जो अपोसिट है उसको भी थोड़ा कम ज़्यादा करके अपने हिसाब से रख लूँगा। फिर अपना जो कैरेक्टर है उससे अभी थोड़ा पहले से बेटर लग रहा है। देन ये जो अपना मेन कैरेक्टर है इस पर जाऊँगा, एफएक्स पे जाऊँगा, बेवल दे दूँगा। वेवल का जो एंगल रहेगा इसको पहले तो कोई एक साइड रख लेना, साइड रख के इसका जो ऑपोसिट है उसको 40 के आसपास रख लेना, ठीक है। फिर इसको टिक कर देना, फिर फेस आपको इसी पे वेवल देना है। इस बार आपको कुछ चेंज नहीं करना, सिर्फ आपका जो वेवल का मतलब एंगल होगा उसको चेंज कर देना, जो पहली बार रखा था जिस साइड उससे उल्टा साइड रख देना है। तो ये कुछ ऐसा बन गया अपना, ठीक है। तो अभी आपको क्या करना है कि इसके ऊपर सिंपली एक एम्प्टी लेयर बना, पेंसिल वाले बक्स वाले ऑप्शन पे जाकर ये शो पॉइंटर को ऑन कर सकते हो। फिर आप इधर से पेंट टूल को सिलेक्ट कर लेना, फिर पहले तो आप कलर पे जाके आपका जो थीम कलर है वो सिलेक्ट करना, फिर आप कुछ एक ऐसा डॉट सा बना लेना, फिर इस लेयर को कर देना लीनियर डॉज। फिर मैं पहले तो ये अपना मार्क्यूरी सिलेक्शन टूल को सिलेक्ट कर लेता हूँ। फिर मैं क्या करूँगा कि जो ये पॉइंटर है इसको हाइड कर लूँगा, फिर एफएक्स पे जाके गॉसियन ब्लर दूंगा, जिससे कि एक ग्लो टाइप का अपने पास आ जाए, ठीक है। तो अभी अपने हमने जो बनाई एक ग्लो है, ठीक है, तो इसको मुझे जिधर जिधर ग्लो देना है उधर उधर इसको मैं प्लेस कर दूँगा। तो मैं इधर एक रख देता हूँ, फिर इसको भी डुप्लीकेट करके इधर ऐसे रख दिया। ऐसे ऐसे करके आपको जिधर जिधर ऐसे ग्लो देना है आप डुप्लीकेट करके उधर उधर ऐसे रख देना, ठीक है। तो उसको ऑपोसिटी भी आप लोग चेक कर लेना एक बार, मतलब जितना आपको अच्छा लगे सही लगे। फिर आप ये जो लेयर्स है इनको मर्ज कर देना, ग्लो वाले लेयर्स, ठीक है। ये मेरा 3 ग्लो बनाए थे, तो ऐसे करके मर्ज कर देना। अगर आपको ग्लो ज़्यादा लग रहा है तो उस लेयर का ऑपोसिटी को आप कम कर देना थोड़ा सा। फिर अपना जो कैरेक्टर है वो लगभग हो चुका है, इसमें हम बाद में और भी थोड़ा कुछ ऐड करेंगे, लेकिन वो चीज़ बाद में, उससे पहले अभी हमको जो करना है अपना जो टेक्स्ट है वो अपने को लाना है। तो उसके लिए सबसे पहले तो मैं आऊँगा बैकग्राउंड वाले लेयर पे, ये प्लस वाले ऑप्शन पे टैप करूँगा, फिर फोटो लेयर फोटो लाइब्रेरी पे जाके अपना जो टेक्स्ट है उसको मैं लाऊँगा। तो इसके लिए ये वाला जो अपना जो टेक्स्ट है वो पिक्सल लैब वाले फोल्डर में होगा, तो आपको ढूंढ लेना है इधर पिक्सल लैब वाला फोल्डर किधर है। इधर कोई सर्च करने का कोई ऑप्शन रहता नहीं, तो आपको इधर ढूंढना है पिक्सल लैब वाला ऑप्शन। फिर मैं उधर से अपना जो टेक्स्ट है इसको मैं इधर लेके आया, फिर मैं इधर सिंपली ये BGMI मॉन्टाज वाला टेक्स्ट को इधर अलग कर लूँगा। तो इसको सिलेक्ट करके जस्ट लेयर फॉर्म सिलेक्शन करूँगा तो अपना जो टेक्स्ट है कॉपी होके एक अलग लेयर पे चला जाएगा, ठीक है। देन मैं नीचे वाले लेयर पे आऊँगा, जो मेन लेयर है टेक्स्ट लेयर का जिसपे दोनों टेक्स्ट है, उस पर जाके क्लियर कर दूँगा, ठीक है। तो अभी
ये चीज़ अगर आपको समझ नहीं है तो रिवाइंड करके देखना, आपको समझ आ जाएगा। तो इससे यही हुआ कि ये जो दो टेक्स्ट है दो अलग अलग लेयर पे हो गए, ठीक है। तो ये वाला जो BGMI मॉन्टाज वाला जो लेयर है इसको मैं थोड़ी देर के लिए ऑफ रखूँगा। अभी अपना जो मेन टेक्स्ट लेयर है सुपर मेसी, इस पर हमको थोड़ा काम करना है, ठीक है। तो इसको सबसे पहले तो ट्रांसफॉर्म करके मैं थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ, लाइक इतना सा ठीक रहेगा। तो इसके लिए मैं स्नैप जो है इसको ऑन कर लेता हूँ, जिससे कि टेक्स्ट जो है अपना मिडिल में रहे, ठीक है। इतना सा कर दिया। तो अभी हम ये जो मेन टेक्स्ट लेयर है इस पर, ठीक है। तो इधर आपको क्या करना है कि ये पेंसिल बक्से वाले ऑप्शन पे जाना है, फिर सिलेक्ट पिक्सल करना है, देन फिर से आपको पेंसिल बक्से वाले ऑप्शन पे जाकर ट्रांसफॉर्म करना है, ठीक है। देन इधर अब जब ट्रांसफॉर्म करोगे इसको आप -4 तक करना है, ठीक है। देन इसको मैं कर दूंगा टिक, ठीक है। ये एक्सपेंड पे जाके -4, ठीक है, इतना सा। फिर इसको कर दूंगा टिक। लेकिन जब आप ट्रांसफॉर्म करोगे ना, याद रखना ट्रांसफॉर्म अब इधर से करो, ठीक है। इधर से आप ट्रांसफॉर्म जब करते हो क्या होता है कि जो अपना सिलेक्शन होता है सिर्फ सिलेक्शन छोटा बड़ा होता है, एंड इधर से एंड पे जाकर जो ट्रांसफॉर्म होता है ये आपका जो ऑब्जेक्ट है वो छोटा बड़ा होता है, ठीक है। तो मुझे इधर अपना जो सिलेक्शन है उसको सिर्फ छोटा करना था, तो मैं इधर से ट्रांसफॉर्म किया, ठीक है, समझ रहे हो। ये डिफरेंस है ये वाले और ये वाले दोनों ट्रांसफॉर्म का, ठीक है। फिर मैं क्या करूँगा कि एंड पे जाऊँगा, एंड पे जाके दे दूँगा ग्रेडियंट। अब मेरे पास तो ये सब बना हुआ है ग्रेडियंट, तो आपके पास शायद नहीं हो, अगर आप नए हो तो आपके पास कुछ ये सा ऐसे डिफ़ॉल्ट ग्रेडियंट मिल जाता है, तो कोई सा भी एक पे टैप कर देना। फिर ये जो लेफ्ट साइड पैलेट वाला ऑप्शन दिख रहा है, पैलेट पे टैप करना। पैलेट पे टैप करके जो मिडिल पे जितना भी सारा ऐसे रहेगा उस पर डॉट रहेगा, उस पर टैप करके इसको ऐसे ऊपर की साइड ड्रैग कर देना, ठीक है, तो ऊपर चला जाएगा। फिर ये जो ऑप्शन ये खुल गया, तो इसके लिए मैं इधर टैप करके इसको हटा लिया। तो अभी आपको क्या करना है कि ये जो कलर से या कोई सा भी दूसरे कलर रहेगा, तो आपको सबसे पहले तो जो लेफ्ट साइड वाला पॉइंट है उस पर टैप करके इसको कर देना है वाइट, ठीक है। तो वाइट कर लेने के बाद अभी ये वाला जो ऑप्शन है राइट साइड, तो उसको भी आपको ये HSB पे आके पहले तो इधर से वाइट कर लेना, फिर HSB पे आके इसका जो ब्राइटनेस है इसको थोड़ा ज़्यादा कर देना, तो ये ग्रे टाइप इफेक्ट आ जाएगा। तो अपने को ये वाला ही इफेक्ट चाहिए था, ठीक है। तो ये वाला जो पॉइंटर है मैं कर दूंगा इसको इधर, ठीक है, मिडिल तक, ठीक है। एंड जो ये वाला पॉइंटर है इसको मैं कर दूंगा कुछ ऐसे, तो इसको आप थोड़ा ध्यान से करना, ये कुछ ऐसा टाइप अपने को इफेक्ट चाहिए, ठीक है। अभी अपना जो ग्रे वाला कलर है ना ये थोड़ा ज़्यादा लग रहा है, तो इसको मैं थोड़ा और कम कर दूंगा। हाँ तो ये मुझे एकदम परफेक्ट लग रहा है, तो इसको मैं कर दूंगा भी टिक, ठीक है। तो अपना जो ग्रेडियंट बनाना था वो भी हो गया, तो बाहर टैप करके इसको जो सिलेक्शन है उसको हटा लूँगा। फिर आपको टैप करना है एफेक्ट्स में जाके 10 दे देना है। एंड इस बार क्या करना है, जो अपना कलर रहेगा कलर का सैचुरेशन जो उसको एकदम कम कर देना, ठीक है। एकदम कम माने इससे कि थोड़ा सा ही दिखे वो कलर, लाइक इतना भी नहीं, इससे भी कम। इसका जो इंटेंसिटी होगा मैं इसको कम कर दूंगा थोड़ा, कुछ इस हिसाब से, ठीक है। लाइक आपको पूरा कलर एकदम चमकाना भी नहीं, एकदम घटाना भी नहीं, बीच वाला रखना है, लाइक इतना सा। ये अपना जो टेक्स्ट है ये भी कुछ ऐसा हो गया, तो अभी मैं इसको कर दूंगा टिक, ठीक है। फिर एंड पे जाके मैं कुछ नहीं करूंगा इसको, अभी इसको बाद में करेंगे बड़ा। तो अभी ये अपना जो सेकंड टेक्स्ट है, ठीक है, ये वाला BGMI मॉन्टाज, तो इसको मैं पहले तो इसके साथ एकदम बराबर फिट कर लूँगा। इसके लिए स्नैपिंग को मैं बंद करता हूँ पहले, तो ये कुछ ऐसा बन गया अपना। फिर अभी इधर आप ये एंड पे जाइए, सिलेक्ट पिक्सल कर लो सबसे पहले, तो फिर एंड पे आगे ग्रेडियंट दे दो, ठीक है। अब इधर कोई सा भी एक ग्रेडियंट दे सकते हो, लाइक ऐसा ग्रेडियंट बना लेना है, ये जो नीचे सिर्फ आपका ये क्या बोलते हैं इसको ग्रे टाइप कलर रहेगा, एंड ऊपर जो है वो आपका मेन कलर रहेगा, मतलब मेन कलर बोल रहा हूँ वाइट कलर रहेगा, ठीक है। ये वाइट एंड जो ग्रे का नॉर्मल सा ग्रेडियंट होता है ये रहेगा। फिर इसको हम कर देंगे टिक,
ठीक है, फिर बार के पे टाइप करके जो अपना पिक्सल है उसको हटा लेंगे, जो सिलेक्ट पिक्सल है उसको हटा लेंगे, फिर एफएक्स पे आके टेंट दे देंगे। अब टेंट जो है इससे एकदम सिमिलर मत देना, अब इसको आपको रखना है जो आपका मेन थीम कलर है डार्क वाला, मतलब पूरा एकदम चमकने वाला, वो वाला कलर से आपको इस पर ग्रेडियंट अप्लाई कर देना है। तो ये कुछ ऐसा आ जाएगा, तो मैं इसका इंटेंसिटी फुल कर देता हूँ कुछ ऐसा। फिर अपने को ये अपना जो मेन टेक्स्ट है सुपर मेसी टेक्स्ट, इस लेयर पे आना है, फिर एफएक्स पे जाके ड्रॉप शेडो ऐड करना है। ड्रॉप शेडो का जो ब्लर रहेगा इसको पहले तो आप ज़ीरो करना, करके इसका जो एंगल है इसको एक साइड कर देना, राइट साइड कर देना। फिर इसका जो डिस्टेंस है इसको आप 5 रखना, ठीक है। इतना सा सेटिंग कर लिया, फिर इसका जो कलर है ये आपका जो थीम कलर होगा उससे कर देना, ठीक है। तो आपका जो टेक्स्ट है उसका भी, मतलब ये जो टेक्स्ट का इफेक्ट है वो भी हो गया। अभी आपको सेम यही चीज़ आप जो और एक BGM मॉन्टेज वाला टेक्स्ट है उस पर कर सकते हो। तो मैं इस पर ये कलर नहीं रखता, मैं इसको ब्लैक एंड वाइट ही कर देता हूँ। तो ये कुछ ऐसा हो गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। मैं इसको नॉर्मली ग्रेडियंट कर देते लाइक ऐसा, ठीक है। तो इस पर भी हम वही ग्लो क्या दे रहे हैं, एफएक्स पे जाकर ड्रॉप शैडो वही सेम सेटिंग, लेकिन इसका जो डिस्टेंस रखी है मैं 3 कर देता हूँ, ठीक है। इस पर ये ठीक लग रहा है, 4 कर देते इसका डिस्टेंस। तो ये अपना जो टेक्स्ट है वो हो जाएगा रेडी। तो इन दोनों लेयर को कर दूंगा मर्ज। तो इतना कर लेने के बाद अपना जो टेक्स्ट है वो भी हो चुका है। तो ये मर्ज होने जाने के बाद ये कुछ ऐसा दिख रहा है। तो अभी आपको करना है इस पर, इसके ऊपर एक एम्प्टी लेयर बना लेना है, देन इसको नीचे लाना है, ये जो अपना टेक्स्ट लेयर है इसके नीचे एम्प्टी लेयर को। फिर एम्प्टी लेयर में आपको कुछ ऐसा एक शेप क्रिएट करना है। तो शेप बनाने के टाइम याद रखना है कि आपका जो ये वाला टूल है बॉक्स वाला मर्क्यू सिलेक्शन टूल, वो सिलेक्ट है। तो ये आपका सिलेक्शन कुछ ऐसे बना लेना। फिर मुझे इधर ज़्यादा सिलेक्शन हो गया नीचे, तो इधर मैं मोड पे टाइप डबल टाइप करके माइनस करके इसका जो एक्स्ट्रा सिलेक्टेड एरिया है उसको मैं डिसलेक्ट करके एंड पे जाके फिल कर दूंगा ब्लैक कलर, ठीक है। तो ये ब्लैक कलर फिल कर देने के बाद इसका जो ऑपेसिटी रहेगा इसको हम कर देंगे 25, ठीक है। इतना हो गया काम। तो अभी ये जो दो लेयर है इन दोनों को हम कर देंगे मर्ज, कुछ इस हिसाब से देखने को लगेगा। अभी आप चाहो तो ऐसे भी रख सकते हो, या तो आप एंड पे जाओ, ट्रांसफॉर्म में जाओ, जाके इसको कर दो स्क्यू -4 या -6 तक। देन आप चाहो तो इसको ऐसे बड़ा भी कर सकते हो। देन आप और एक चीज़ इस पर कर सकते हो, एक्स्ट्रा इस पर जाके ये लॉक एक्सपेक्ट रेशियो को ऑन कर लो या ऑफ जो भी हो वो चीज़ करके इसको ऐसे नीचे की साइड थोड़ा करके इसका जो हाइट है इसको 120% कर देना, ठीक है। तो इससे ये थोड़ा और अच्छा दिखने लगता है। ये जैसे इधर सेम एक ही टेक्स्ट है, ठीक है, जो सुपर मेसी करके एक ही टेक्स्ट है। इधर आपका टेक्स्ट थोड़ा बड़ा होता है, लाइक 2-3 टेक्स्ट होता है, जैसे और भी 2-3 थंबनेल आपको दिए उसमें अनबीटेबल एक्यूरेसी ऐसा टाइप, मतलब जो थोड़ा बड़ा टेक्स्ट होता है, ठीक है, तो उसमें ये चीज़ ज़्यादा अच्छी लगती है जी। इधर एक है तो ये उतना आप लोगों को समझ नहीं आ रहा है। तो जो भी हो यही चीज़ है। तो इसको मैं अगर टेक्स्ट ज़्यादा दिख नहीं रहा है तो इसको आप थोड़ा ऐसे ऊपर भी कर सकते हो, जब ऐसे नीचे ही रखना तो ज़्यादा जो ग्लो आता है ना, जैसे कैरेक्टर से ग्लो इस पे जा रहा है तो ये थोड़ा और ज़्यादा अच्छा लगता है। तो अपना जो इधर क्लीन थंबनेल अपना हो चुका है, अब इस पे आप कुछ चीज़ें ऐड करना चाहते हो कर सकते हो। मैं सारा चीज़ पैक पे दे दूँगा, लाइक आपको करके दिखाता हूँ। लाइक आपको सबसे पहले मेरा पैक पे आ जाना है, जो कि पैक का नाम ये है 1TP करके, 1TP बाय हेप्टनर। तो ये 1TP माने थंबनेल, TP माने थंबनेल पैक, ठीक है। तो इधर ये सबसे पहले तो सब हर एक चीज़ आप ऐड कर सकते हैं इधर सिंपली ऐड करके। ये जो है इसको मैं कर दूँगा लीनियर डोजा, नॉर्मल भी रख सकते हैं ये चीज़। फिर एक एक करके सारा चीज़ जो है ये आप ऐड कर लेना, ठीक है। ये जितना भी चीज़ ऐड करो याद रहे कि जस्ट बैकग्राउंड के ऊपर वाले लेयर पे ऐड हो रहा हो, नहीं तो टेक्स्ट या जो अपना कैरेक्टर है उसके ऊपर ये सारे चीज़ आ जाए तो वो देखने में अच्छा नहीं लगता। ये अपना जो स्टार वाला मतलब पार्टिकल है इसका ऑपोसिटी आप 40% रखना, इससे ज़्यादा मत रखना, ठीक है। ऐसे ऐसे करके जितना भी सारा चीज़ है वो मैं एक करके ऐड कर लेता हूँ।
ये वाला जो चीज़ें इफेक्ट टाइप जो भी बोलते हो, इसको मैं कर दूंगा लीनियर डॉज, देन इसका ओपेसिटी आप 35 समथिंग ऐसा रख सकते हो, फिर से बाकी जितना भी सारा चीज़ें आप चाहो तो हर एक चीज़ ऐड कर सकते हो, तो आपके पास कुछ और चीज़ें तो आप उसको भी ऐड कर सकते हो इधर उसका, ये इसको लीनियर डॉज करना है। ये सिंपली आपका जो स्काई के वाला पार्ट होता है, मतलब जो टॉप वाला पार्ट, उस पर थोड़ा सा वाइटिश टाइप इफेक्ट आते हैं, तो इससे भी अच्छा लगता है जब आप सीसी करोगे इस पर, तो वो थोड़ा अच्छा लगता है। फिर ये वाला और एक चीज़ है, ये वाला जो है इसको आप एकदम टॉप लेयर पे रखना, ठीक है। ये सिंपली एक रेस टाइप इफेक्ट है, ये आप एकदम टॉप पे रहोगे तो इससे ज़्यादा कुछ तो फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन अच्छा लगता है इससे। फिर आप फिर से बैकग्राउंड लेयर पे आके फिर अपना बाकी कौन सा, ये वाला, इसको भी हम ऐसे ऐड कर लेंगे। तो ये हो गया अपना थंबनेल रेडी। अगर आपको इधर से आप सिलेक्ट पिक्सल कर सकते हो, ऐसे करके ये वाला जो है, ये जो लाइंस वाला इफेक्ट है, इस पे आके ये आप क्लीन कर देना, ठीक है। तो ये क्लीन कर देना तो आप अच्छा लगेगा। आप क्या चीज़ में मतलब इतना कुछ नहीं समझा सकता भाई, अब समझ जाना बस। तो ये अपना जो थंबनेल है, ये इधर से तो काम इसका हो चुका है। अभी आप चाहो तो ये जो लेयर है, मानो किसी का आपको कलर चेंज करना है, तो आप सिंपली एफएक्स पे जाके टिंट दे देना, कोई दूसरा मतलब टिंट कलर करना चाहते ऐसे टिंट दे देना, लुमिनिसिटी को कम कर, ज़ीरो करके, वो जो भी चीज़ का कलर चेंज करना है तो ऐसे टिंट दे के चेंज कर सकते हो, ठीक है। तो मैं येलो पे ही बना था, तो मुझे कलर चेंज करने की ज़रूरत नहीं, येलो पे ही था ये सारी चीज़। एंड अपना जो ये किधर गया, अपना स्मोक वाला किधर गया भाई, स्मोक ये वाला अपना जो स्मोक वाला लेयर है, अब इस पे आके इफेक्ट्स पे जाके टिंट दे के आप इसका कलर चेंज कर लेना, येलो कर लेना, मतलब अगर आप येलो थीम पे बना रहे हो, आपका जो भी थीम कलर होगा उससे बना लेना। तो ये अपना जो पूरा अपना थंबनेल है, ये एकदम सा रेडी हो चुका है, तो मैं इसको कर दूंगा डन सेव, ठीक है। तो अभी इसको गैलरी में सेव करने के लिए आपको सबसे पहले ये इस वाले आइकन पे टैप करना है जो नीचे के साइड होगा बॉटम में, देन सेव टू गैलरी, फिर आपने अभी जो बनाया होगा उस पर टैप करके ओके पे टैप कर देना, तो ये आपका जेपीजी में गैलरी में सेव हो जाएगा, ठीक है, माने जेपीजी फॉर्मेट में गैलरी पे सेव होगा। फिर आपको बैक आ जाना एकदम होम में, तो आपको लास्ट स्टेप जो है वो है कलर करेक्शन का, तो वो हम करेंगे लाइटरूम एप्लीकेशन से, ठीक है। तो ये एप्लीकेशन आप लोगों को इजीली प्ले स्टोर पर मिल जाएगा, तो उधर से इसको डाउनलोड कर लेना। फिर अभी आप लोगों को क्या करना है कि इस वाला आइकन पर टैप कर देना, प्लस आइकन होगा राइट साइड, उस पर टैप करने के बाद ये थोड़ा सा लोड लेता है। तो अभी आप लोगों को दो चीज़ें ऐड करना है, पहला जो आपने अभी बनाया वो चीज़, एंड ये वाला एक इमेज दे दूंगा आप लोगों को पैक के अंदर, ये अपना DNG प्रीसेट रहेगा, तो ये दोनों चीज़ को आपको ऐड कर लेना है इधर, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ मैं ऑलरेडी इंपोर्ट करके रखा था, तो ये स्किप हो गया। तो ये था, ये वो चीज़ जो अभी हमने बनाया। तो सबसे पहले आपको इस पेज नहीं जाना, मैं बैक आ जाऊँगा, सबसे पहले आप लोग जाना है मेरे प्रीसेट में, तो ये मैं पहले से इंपोर्टेड है, थोड़ा नीचे होगा, तो ये रहा अपना प्रीसेट, तो मैं इस पे जाऊंगा सबसे पहले, देन 3 डॉट पे जाके कॉपी सेटिंग कर लूँगा, ठीक है, देन इसको कर दूंगा टिक। तो अभी आपको बैक आना है, बैक आके आपने अभी जो बनाया उस पे जाके सिंपली 3 डॉट पे जाके पेस्ट कर देना है, तो आपका जो कलर करेक्शन है एकदम हो जाएगा, ठीक है। फिर आपको इसका कुछ चेंज करना है तो आप कर सकते हैं, किसी को बोल रहे थे कि सेटिंग देखने की कैसा क्या रहता है, तो ये मैं कुछ सिंपल सा सेटिंग रखता हूँ, तो आप चाहो तो कॉपी कर सकते हो, तो खुद का बना सकते हो अलग प्रीसेट टाइप, तो मैं ऐसा टाइप कुछ रखता हूँ, ठीक है। एंड इतना हो जाने के बाद आपको सेव करने के लिए इधर शेयर के ऑप्शन पर टैप करके इधर सेव टू गैलरी कर देना, तो ये आपका गैलरी में सेव हो जाएगा। तो गाइस आज के वीडियो के लिए बस इतना ही था, आई होप कि आप लोग आज का वीडियो बहुत पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो कुछ हेल्प हुआ है आप लोगों को ये वीडियो से, तो आप लोगों को पता है क्या करना है, तो वो सारे चीज़ कर देना। मैं मिलूंगा आप लोगों के साथ दूसरे किसी वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी या।